हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिफेंस केरियर। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो पर इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी को कैसे ज्वाइन करें आफ्टर 10+2, आज मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। अगर आप वीडियो पर नए आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल 2 बार वैकेंसी रिलीज करता है। एक जून जुलाई में वैकेंसी रिलीज करता है और एक जनवरी मंथ में वैकेंसी रिलीज करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर हमें इसके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यह डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक वीडियो का देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो दोस्तों, शुरू करते। पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वही डिस्कस करेंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+ पास होना चाहिए, उथी मैथ फिजिक्स और मास्ट एवे स्कोर्ड 50% मार्क्स इन एग्रीगेड होना चाहिए। तो आपका पास 10+2 में 50% एग्रीगेड होना चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन है SST कैंडिडेट के लिए। जो SST कैंडिडेट होगा उसको लिए 5% रिलैक्सेशन है। दैट मीन्स अगर वो SST कैंडिडेट के लिए पास अगर 45% है तो भी अप्लाई कर सकता है। और जो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पोजीशन नेशनल लेवल पर चैंपियंस ट्रॉफी, इंटर स्टेट लेवल पर स्पोर्ट्समैन है तो उसको भी रिलैक्सेशन 5% का मिलता है। तो दोस्तों, उसके बाद हमें एज के बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो एज है 18 से लेकर 22 इयर्स में होना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। और जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी मिलता है 5% फॉर SST एंड 3 ईयर फॉर OBC। अगर आप 27 ईयर्स है और SST कैंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 25 ईयर्स है और आप OBC कैंडिडेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हमें इसका सिलेक्शन प्रोसीजर में बारे में डिटेल से बात करेंगे। पहले तो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इंडियन नेवी की तरह से हर कैंडिडेट को एडमिट कार्ड नहीं भेजता है, वो शॉर्ट लिस्टिंग करता है 10+2 का परसेंटेज के आधार पर। जो ज़्यादा परसेंट लाता है उसको एडमिट कार्ड देता है। पहले तो ये शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को ही एडमिट कार्ड शो करता है। जो कैंडिडेट ने अच्छा परसेंट लाया हुआ 10+2 में, उसके बाद उसका एक रिटर्न एग्जाम होता है। पहले जो कैंडिडेट रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करता है उस दिन लगभग 2 से 3 डेज के अंदर ही पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। पहले रिटर्न टेस्ट होता है, उसके बाद PAT टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। और जो इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड का नाविक जीडी का जो एग्ज़ाम सेंटर है, पूरी इंडिया में लगभग 10 से 15 से 20 का, ये देखिए जालंधर, देहरादून, जोधपुर, नोएडा, वाराणसी, गुवाहाटी, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, टूटीकॉर्नी, चेन्नई, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, भोपाल, कोची, मुंबई, न्यू मैंगलोर, गांधीनगर, पोर्ट ब्लेयर, इस सेंटर में इंडियन कोस्ट गार्ड अपना नाविक जीडी का एग्जाम कंडक्ट करता है पूरा इंडिया में। ये देखिए दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन एग्जाम होता है, वो मेर बेस्ड होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में क्वेश्चन आता है। इसमें 80 क्वेश्चन आता है, 60 मिनट आपको दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। और जो क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आता है उसमें 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, 20 मैथ का आता है और 20 रीजनिंग का आता है, और 5 GK मंथली करंट अफेयर आता है, और 15 क्वेश्चन है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आता है। ये 10th बेस्ड भी कभी कभी फिजिक क्वेश्चन आ जाता है। तो नाविक जीडी एग्जाम इज फॉर 10th पास्ड स्टूडेंट एंड थ्रू द नोटिफिकेशन से। अगर आप सिलेबस साइंस का अगर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 10th और 9th लेवल का भी क्वेश्चन
जनरल साइंस में आ जाता है। तो आप नाविक जेडी के लिए प्रिपेयर करना है तो 9th 10th और 10+2 पूरे ईयर का सिलेबस को अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, ओ मेर का होता है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है और ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑफलाइन होता है। जो कैंडिडेट ने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया उसके बाद उसका उस सेंटर में ही उस दिन ही ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। 1600 मीटर की रेस होता है, उसको 70 मिनट्स में कंप्लीट होना करना पड़ता है और 20 सीटअप और 10 पुशअप करना पड़ता है। जो कैंडिडेट ने फिजिकल फिटनेस के लिए फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई किया उसके बाद उसको मेडिकल लगभग उस दिन समय बचते तो कर लेंगे, उसके बाद या फिर नहीं समय बचेगा तो अगले दिन वो कर लेते हैं मेडिकल। मेडिकल ज़्यादा टफ नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। आईज, नोज, हैंड और इस तरह से कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है मेडिकल। अरे देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट नीड है आपको इस एग्ज़ाम देने के लिए, तो ये देखिए 3 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा उसका 3 कॉपी होना बहुत ज़रूरी है, और 2 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, कैस्ट सर्टिफिकेट। दोस्तों ये देखिए, कैस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है, और कोई भी एग्ज़ाम में कैस्ट सर्टिफिकेट ज़रूर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर है कैस्ट सर्टिफिकेट, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जरूरी है, क्योंकि ये जो सेंटर बेस्ड पर मेरिट बनता है। उसके बाद उसका जो जेंडर है, मेल, ओनली मेल कैंडिडेट ही इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में अप्लाई कर सकता है, और जो मिनिमम हाइट है अप्लाई करने के लिए 157 cm, और उससे ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा। मिनिमम 157 cm होना चाहिए, और जो विजन है 6x6 होना चाहिए, उथियाडो ग्लास और वन आई में 6x6 होना चाहिए, और अनदर आई में 6x9 होना चाहिए, उथियाडो ग्लास। अगर आप ग्लास यूज करते तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं ज्वाइन कर पाएंगे। तो अब वो ये था पूरी सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आपके पास अभी कोई कोई अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं उसका कमेंट का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जाम। नोटिफिकेशन इस महीने या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में आ सकता है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा लगाइए। जय हिंद।